सिविल जंक्शन चैनल को तो अपना 3 4 साल हो गए, और वहां पे क्या मुझे काफी जो नोटिफिकेशन आते हैं एग्जाम के अपने इंजीनियरिंग से रिलेटेड, और उनके साथ साथ है अपने जो पेपर्स वगैरह हुए हैं आज तक किसी भी एग्जाम के, अपने सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी पेपर्स हुए हैं वो वहां पे अपडेट होते रहते हैं, चाहे वो अपने गुजरात वाला हो, चाहे अपने राजस्थान का हो, या किसी भी एग्जाम के हो, वो एंड वहां पे अपलोड होते रहते हैं, तो उनसे भी थोड़ा आइडिया मिल जाता है। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन। सिविल जंक्शन के ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ मौजूद है हाल ही में SSC 2022 में CPWD में सेलेक्ट हुए महेंद्र कुमार जी। तो बहुत बहुत स्वागत है महेंद्र जी आपका हमारे चैनल पे। जी हाँ जी, नमस्कार जी, माय सेल्फ महेंद्र कुमार मधुकर। आपसे हम बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने कैसे CPWD क्रैक किया और बहुत सारी चीजें जानकारी लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और स्टडीज वगैरह आपने कहाँ से। सर, मेरा जो होम टाउन है वो करौली है, टोडा भीम। और जो मेरा स्टडी कुछ इस तरह का था कि जो मेरा 8th क्लास था वो अपने गांव में ही निकला था। उसके बाद 9th 10th एक प्राइवेट स्कूल थी पास में, वहां से तो 10th में कुछ 67.8 नॉर्मल थे, ऐसे कोई खास थी नहीं। उसके बाद मैं दौसा गया, तो दौसा से मैंने 11th 12th की मैथ के साथ, तो 12th में भी मेरा एवरेज स्टूडेंट था मैं। शुरू से ऐसा कुछ था नहीं कि बिल्कुल ही अभाव या बिल्कुल ही लोग, और ये भी था कि कभी अभी तक फेल भी नहीं हुआ था मैं कभी, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी था हाँ अभी कुछ तो करेंगे जिंदगी में। तो 12th में मेरा 63.4 कुछ ऐसे ही था, मतलब नॉर्मल था। तो उसके बाद सोचा तब क्या करें, कुछ नॉलेज थी नहीं, कुछ गाइड करने वाला नहीं था, और वैसे भी फैमिली में ऐसे कोई, फैमिली के पूरे गांव में ही ऐसा था नहीं कोई जो पढ़ा लिखा गाइड कर सके, भाई अब तू ये कर। बस जिंदगी ने कहा था कि भाई मैथ अच्छा है, अब तू बीटेक कर ले, साइंस मैथ से है तेरा तो अब तो बीटेक कर ले। और उस टाइम तो सोच ये थी कि अगर बीटेक करने के बाद डायरेक्ट जॉब मिल जाएगी, किसको पता था इसके बाद भी स्ट्रगल करना पड़ता है। तो उसके बाद करी भाई बीटेक, करी कॉलेज में गए तो वहां पे भी सीरियस होके पढ़ाई करी। उसके वहां पे भी ये नहीं था कि कॉलेज में जो मस्ती करनी है वो कर लो, बाद में क्या पता क्या हो, लेकिन वहां पे भी थोड़ा अच्छे से पढ़े। कॉलेज भी ऐसा था कि कभी जो नंबर आते थे टेस्ट वगैरह में वो ही दे देते, ये नहीं कि बढ़ा के फुल, काफी कॉलेज होती हैं जिनमें काफी अच्छे नंबर दे देते हैं, लेकिन उसमें यही था जितना आपके नंबर आ रहे हैं वो ही मिलेंगे आपको। तो 4 साल वहां पे निकाले, तो कैसे भी करके मेरा जो बीटेक का था वो भी 72 एग्रीगेट बना था। ये था कि लेकिन कभी बैक नहीं था, एक फर्स्ट टाइम फर्स्ट ईयर में बैक लगा था एक कंप्यूटर का, वो भी रिवेलिंग में निकल गया था। तो उसके बाद अपना बीटेक क्लियर होने के बाद डायरेक्ट वो आने को तो प्राइवेट कंपनी आती थी कॉलेज में, लेकिन था नहीं, बस मन में यही था कि करना तो गवर्नमेंट ही है, प्राइवेट में तो कुछ नहीं करना। और फिर उसके बाद घर वाले भी धीरे धीरे कहने लगे अब कर ले कर ले, मैंने कि नहीं करना तो गवर्नमेंट ही है। फिर उन्होंने बोला ठीक है कोचिंग कर ले, तो फिर मैं इंजीनियर अकेडमी अपना यहाँ गोपालपुरा पे, तो यहाँ पे इंजीनियर अकेडमी से कोचिंग स्टार्ट की थी मैं 2017 में। तो 70 में मेरा बीटेक हो गया था, तो उसके जस्ट बाद कोचिंग स्टार्ट कर दी थी मैंने। तो कोचिंग मेरा शायद जनवरी जनवरी में लगा था 2018 में, 2017 का SSC JEE। तो तब तक मेरा कोचिंग कंप्लीट हो गया, उस टाइम मेरा कोई खास था नहीं, बस यही था कॉन्फिडेंस, पढ़ाई भी अच्छी की थी, ये नहीं कि पढ़ाई भी नहीं की, नहीं निकल पाया फिर भी नहीं हो पाया था मेरा। उसके बाद ये था, उसके बाद एक राजस्थान में आईएन की वैकेंसी आ गई थी, तो आईएन की वैकेंसी में लग गया, फिर थोड़ा डाइवर्ट हो गए सेंटर से, तो उसमें अपने सिलेबस भी थोड़ा राजस्थान जी के वगैरह अलग हो ही जाता है, तो उसकी तैयारी करने लग गए। उसमें प्री में सब 400 नंबर का था, उसमें SC की 50 के पास पास कट ऑफ गई थी, तो वो आसानी से निकल गया था, उसमें खास नंबर थे नहीं, उसमें भी 93 के आसपास थे मेरे प्री में। वो राजस्थान जईएन का आ गया, फिर तो राजस्थान जईएन में लग गए। तब तक अपना रेलवे का जईएन का भी था, मतलब तीनों चारों एग्जाम एक साथ से हो गई। और जो
आरपीएससी आईएन का जो मेंस था वो और रेलवे जईएन का था, इनमें ज्यादा डिफरेंस था नहीं, एक महीने का ही था। रेलवे जईएन का पीरियड था वो निकल गया था, और जो मेंस था उसके आरपीएससी आईएन के चक्कर में ना तो रेलवे जईएन हो पाया और ना आरपीएससी आईएन हो पाया, तो दोनों ही रह गए। तो वैसे मैंने कोचिंग की नहीं थी, सोच रहा था रेलवे जईएन कर लूं, फिर सोच रहा था अब क्या करूं, फिर आईएन में लग गए। तो आईएन में भी थोड़ा बड़ा प्रोसेस होता है राजस्थान में, दो पेपर तो उसमें होते हैं प्री में, उसके बाद चार पेपर मेंस में होते हैं, दो टेक्निकल के, एक अपने सोशल एस्पेक्ट का, एक हिंदी का। तो कोचिंग की नहीं थी, तो उस टाइम मेरे हिंदी में मेरे से 100 में से 35 नंबर नहीं आए, ऐसा हुआ था। तो उसमें फिर नहीं बैठ पाया, चलो देखते हैं दोबारा कभी आएगी जब। फिर जो राजस्थान जईएन था उसका पहला जो पेपर होता है उसमें कुछ गड़बड़ हुई थी, तो पेपर कैंसिल हो गया था। तो दोबारा तैयारी की, तो उसमें पेपर में अच्छे नंबर बैठे थे, कुछ 92 के आसपास थे मेरे 120 में से, लेकिन नहीं बैठ पाया, उसमें कट ऑफ कुछ हाई गई थी, 100 हाँ, तो उसमें नहीं हो बैठ पाया। उसके बाद दोबारा राजस्थान जईएन की आई थी, लेकिन उस टाइम पेपर नहीं बैठ पाया, उस टाइम नंबर बैठे थे लेकिन फिर कट ऑफ आई गई थी, इस बार पेपर नहीं बैठ पाया तो फिर उसमें भी रह गए। उसमें कट ऑफ ज्यादा नहीं गई थी, कट ऑफ 64 ही गई थी बस 120 में से, लेकिन पेपर ही नहीं बैठ पाया। एक तो जीके भी मेरे 22 नंबर थे, कुछ काट पीट गए 40 में से, और जो टैग था उसमें भी कुछ खास नंबर ही नहीं थे, तो ऐसे राजस्थान जईएन का रह गया। इसके चक्कर में जो एसएससी में लगे हुए थे वहां से डाइवर्ट हो गया, ना तो राजस्थान जईएन मिला ना एसएससी जईएन मिला, इधर रेलवे जईएन भी रह गया और आईएनआर रह गया, आरपीएससी वाला। फिर सोचे यार, मेरे खुद के दोस्त थे वो साथ में ही कर दिया था उसने जईएन का, लेकिन फिर वो क्या ग्रुप डी, वो सोच रहा यार कुछ तो मिले हाथ में, उसके बाद करते रहेंगे। बीच में कोरोना भी आ गया, तो 3-4 साल तो ऐसे निकल गए पता ही नहीं लगा, तो थोड़ा घर वालों को फिर प्रेशर बढ़ ही जाता है धीरे धीरे, भाई इतने साल हो गए, कुछ रिश्तेदार हैं, कुछ गांव वाले हैं, क्या करता है वहां, ऐसे होगा चार लोग ऐसे ये लोगों के क्या कहेंगे वो। तो आज के जमाने में इंसान लड़का जयपुर जाके चाहे कितना ही पढ़ ले, चाहे वो रात दिन पढ़ रहा है, यदि कुछ उसने करके नहीं दिखाया या रिजल्ट नहीं दिया ना, तो बस कहने वाले यही कहेंगे, बस पढ़ा कहाँ है, तो डोलता है, बस मस्ती करता है, कभी जीटी जाता है, कभी डब्ल्यूटी पे जाता है, कभी वहां पार्क में जाता है, कभी लड़कियों के साथ घूमता है, तो ऐसे बात होती है, वो चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये था कि मैं डाइवर्ट नहीं हुआ, मेरे खुद के दोस्त हैं वो ग्रुप डी वगैरह में डाइवर्ट हो गए, वो नॉन टेक पढ़ने लगे। मैं करना तो यही है, यदि ग्रुप डी वगैरह एसएससी वगैरह करनी होती नॉन टेक वाली, तो बीटेक क्यों की मैंने, कुछ ये भी तक बीटेक की है तो फिर करेंगे तो टेक्निकल, फिर कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने अपनी वो चेंज कर ली, मैं इसी में लगा रहा, मैं कोई नहीं कभी ना कभी तो होगा, आज नहीं तो कल। और घर वाले कहते हैं, मेरे खुद के फैमिली है उसमें काफी बंदे हैं जो कोई जॉब करते हैं प्राइवेट, मेरे छोटे हैं वो कमाते हैं, चाहे महीने के वो 10-15 कमा, लेकिन कमाते हैं। घर वाले ये देखते रहे, छोटे छोटे हैं जो कमाते हैं, तो कब क्या होगा तेरा, कितने दिन हो गए तुझे, मैं टेंशन क्यों ले, तो रुको थोड़ा, जितने ये कमाते हैं ना, जितने ये 3-4 साल में कमाएंगे ना, तो एक साल में कमा दूंगा, बस थोड़ा सफर करो, बस एक थोड़ा बड़ी चीज में थोड़ा टाइम भी लगता है। देखो अब छोटी चीज होती है, जैसे अपने नॉर्मल एग्जाम वगैरह में इतनी कोई दिक्कत नहीं होती है, बड़ी चीज है, और वैसे भी अपना सिविल वाले स्टूडेंट है, सब्जेक्ट इतनी होती है कि आदमी ऊपर से याद कर नीचे से भूल जाता है, सब्जेक्ट ही अपनी इतनी सारी है, तो इस नहीं बैठ पाता, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अपना फिर एसएससी 2022 वाला आया था, इसमें मैंने स्टार्टिंग से 4-5 महीने स्टार्ट किया था, तो मेरा 2-3 महीने अच्छा वो था, ठीक चला था, फिर बीच में थोड़ा ऐसे ही फैमिली प्रॉब्लम हुई थी, मम्मी हॉस्पिटल में थी, तो मेरा गड़बड़ है गया सिस्टम। फिर 14 नवंबर को तो कुछ अपना एग्जाम ही था 22 में, तो मेरा फर्स्ट शिफ्ट ही था, कोई नहीं चलो देखते अच्छे से करते हैं, तो वो मैं दिया था मैंने, तो उसमें ठीक ठाक अपना रीजनिंग का भी ठीक ठाक बैठ गया, और जी के थोड़ा हार्ड आया था तो नहीं बैठ पाया ठीक से, और टेक्निकल भी नॉर्मल, वैसे खास तैयार नहीं थी, जो तैयारी उसके हिसाब से थोड़ा
ठीक हो गया। फिर सोच रहा था करते हैं कुछ, दो चार दिन पांच दिन का रेस्ट लिया, उसके बाद अपना आंसर की आई गई थी, उसको मैं चेक किया तो उसमें आंसर की में तो मेरे 98-99 थे। तो काफी लोगों ने बोला यार 100 से कम आज तक कट ऑफ गई नहीं, कैसे क्या करेगा तू। मैंने कहा यार एक थोड़ा मन में कहीं से या ऊपर वाले का मान लो या किसी का मान लो ये था कि मैं तेरे साथ हूँ, तू कर तैयारी, टेंशन क्यों लेता है, चलो कोई बात नहीं करते हैं। तो फिर मैं अपनी तैयारी में तभी से लग गया था आंसर की के 4-5 दिन बाद मैंने जो एवर एग्जाम अपना दिल्ली वाला ऑनलाइन कोर्स है तो उससे अपनी कोचिंग स्टार्ट कर दी थी मैंने ऑनलाइन। तो उन्होंने शायद 20-25 दिन बाद टेस्ट भी स्टार्ट कर दिए थे साथ में सब्जेक्ट वाइज। तो फिर मैं साथ में कोचिंग नोट्स वगैरह अपने बनाता गया और टेस्ट वगैरह संडे टू संडे टेस्ट लगता उनका, तो टेस्ट देते गया। तो फिर मेरा पहला टेस्ट था उसमें मेरे 300 में ऐसे 64 नंबर थे। मैंने कि यार इनसे क्या होगा कि यार ये तो मजे हो गए, क्या करे अब। फिर मैं देखा यार कहाँ पे गलती हो रही है, लिखने में गलती है यार, दो प्रीवियस ईयर वाली कॉपी थी किसी की वो भी चेक की थी, या वहां से नंबर किस तरीके से देते हैं, कैसे राइटिंग में भी नंबर काटते हैं या डायरेक्ट नंबर आंसर देखते हैं, थ्योरी में किस तरीके से नंबर देते हैं, तो इस तरीके से वो देखा था मैंने। तो वहां पे कुछ देखा था तो कुछ तो नॉलेज मिलता ही है। फिर मैंने सेकंड टेस्ट दिया, उसमें थोड़ा बढ़ा 95 के आसपास थे। फिर अपनी तैयारी कंटिन्यू रखी, उसके बाद धीरे धीरे स्कोर बढ़ता गया। तो हाईएस्ट मेरे जो टेस्ट थे उनमें दो टेस्ट में 142 आए थे बस। यार अब क्या करें, नहीं इतने ही बैठ पा रहे हैं, कुछ कहीं 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 मिस्टेक हो ही जाती है, कितना ही कोशिश कर लो कुछ ना कुछ मिस्टेक तो हो ही जाती है, चाहे न्यूमेरिकल में कर लो या फिर थ्योरी में कर लो। तो स्पीड बढ़ाते हैं तो फिर राइटिंग नहीं बैठ पाती, राइटिंग बैठाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाती है, थोड़ी सी मिस्टेक होने से ही क्या करें। फिर कोई नहीं, फिर एग्जाम आ गया अपना, रिजल्ट में देखा तो रिजल्ट में अपने जो 98 थे वहाँ रिवाइज आंसर की से वो 102 हो गए थे रोमार, और नॉर्मलाइज हो गए वो 106.9 कुछ ऐसे हुए थे। तो उनमें नंबर कुछ थे नहीं खास, उनमें मेरे जो अपना रीजनिंग वाला पोर्शन था तो रीजनिंग वाले पोर्शन में मेरे मैं शायद 43-44 अटेम्प्ट किए थे मैंने, उनमें मेरे 39.25 कुछ ऐसे नंबर थे। और जो जीके था वो तो मेरे कुछ वहीं पे समझ नहीं आया, मैंने यार पता नहीं क्या नंबर देगा, कुछ खास ऐसी तैयारी भी नहीं थी। तो उसमें मैं 22 कुछ ऐसे अटेम्प्ट किया था तो उसमें 13-14 नंबर थे मेरे, टेक्निकल का एवरेज गया था तो उसमें 50 के आसपास नंबर थे, कुछ इस तरीके से मेरे 102-107 नंबर बने थे। तो काफी स्टूडेंट थे वो, उन्होंने तभी तैयारी स्टार्ट की थी, साथ के थे बोले क्या करें। मैंने कहा यार अब क्या करें, देखो तुम्हारा अपने हिसाब से कर सकते हो तो करो, पर अपना तो चलता गया। फिर जैसे ही वो आया एग्जाम आया, उससे एक महीने पहले मैं अपने फुल टेस्ट देना स्टार्ट लग गया। मैंने कहा अब जितने फुल देने दे सकते हो उतने दो, कुछ अपनी बुक वगैरह थी और कुछ टेस्ट सीरीज थे, मतलब 2-3 अपने एग्जाम थे जो कोचिंग है उनके मैंने टेस्ट बुक ले ली थी, मैंने सबको तो कुछ ना कुछ तो कॉन्फिडेंस आएगा। तो टेस्ट दिए, मैं वो ही अपने 150 के आसपास बैठे थे। मैंने कि यार अब पहले के कट ऑफ वगैरह देखे थे तो उन्होंने ऐसा कुछ था नहीं, वो ही अपने 250 के आसपास जाती थी 80 की, 250-260 इनकी कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा ज्यादा नहीं। तो फिर अपना मेंस का एग्जाम देने गए थे अपन दिल्ली, तो जैसे ही पेपर स्टार्ट हुआ स्टार्ट किया थोड़ा हेजिटेशन तो होता ही है, बस कैसे क्या करना है, पहली बार एग्जाम दे रहे। मैंने SSC JEE मेंस फर्स्ट टाइम ही दिया था उस टाइम, तो थोड़ा हेजिटेशन होता ही है। और फिर वैसे पेपर खोल के देखा तो उसमें पहले ही देख रखा था, जब टेस्ट दे देते तो उनसे थोड़ा पता लग गया भाई कैसे टेस्ट अटेम्प्ट करना है, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो फर्स्ट मैंने जो लास्ट वाला पोर्शन था उसका सेफ फैक्टर वाला कुछ ऐसे क्वेश्चन थे लास्ट के बढ़िया बढ़िया से, मैंने कहा चलो इनको अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो वो मैंने चारों पांचों कर लिए थे अच्छे से।
उसके बाद मतलब ये था, पीछे से स्टार्ट कर दिया था मैंने, फिर धीरे धीरे होता गया। बीच में कुछ ऐसा वो आया, दिमाग घूम गया मेरा, यार इसको करो, एक साथ अपन चार पांच क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ना, पर दिमाग कंफ्यूज हो जाता है यार, इसको करूँ या इसको करूँ या इसको करूँ। एक तरीके से जैसे थोड़ा चक्कर वगैरह आने लग गए मैंने, यार क्या किया जाए, दिमाग खराब, टाइम नहीं बच रहा, दो घंटे में इतने नंबर कर लें। फिर मैंने थोड़ी देर पेन रखे, रिलैक्स कर पहले, माइंड शांत करके फिर दोबारा पेपर अटेम्प्ट किया मैंने। चलो कोई नहीं, होगा जो देखा जाएगा, कर तू। तो फिर मैंने अच्छे से पेपर थोड़ा ठीक ठाक हो गया था, 25 का अप्रोक्स मैंने अटेम्प्ट किया था। फिर रास्ते में आए थे तो फिर कुछ फ्रेंड थे, देखा था ये ऐसे गलत है, ये ऐसे गलत है, ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी मिस्टेक होती है जो उस टाइम नहीं दिखती पेपर में, लेकिन बाहर आते सारी मिस्टेक दिखने लग जाती है। ऐसा ही होता है, मतलब जब पेपर देते हैं ना, कितना ही याद कर लो, कितना ही पढ़ लो, उस टाइम कुछ नहीं दिखता, हाँ ये सही है, ये सही है, और बाद में वही गलत दिखने लग जाते हैं। और कुछ साथ के फ्रेंड भी होते हैं तो उनको डिस्कशन वगैरह होता है, तो फिर मैंने कोई नहीं होगा तो दिखा जाएगा, वहां रिजल्ट आएगा जब देख लेंगे। तो उसके बाद अपना ये 24 तारीख के आसपास अपना रिजल्ट आया था। उससे पहले भी मेरा दोस्तों से मेरी कभी बात होती थी तो मैं यही कहता था, यार पता नहीं क्या होगा, बस मुझे तो कुछ भी मिल जाए, बीआरओ मिल जाए, ठीक है, मैं तो उसमें खुश हूँ, मुझे बीआरओ तो कुछ तो मिले, बस थोड़ा माइंड से टेंशन खत्म हो। जब भी बात होती ऐसे ही, मैंने चल कुछ नहीं यार, कुछ तो मिले, बस दिमाग से थोड़ा टेंशन खत्म हो। पर 16 तारीख के आसपास ऐसे थोड़ा वो चलने लग गया कि हाँ भाई रिजल्ट आने वाला है 16 को। फिर तो 16 तारीख के बाद एक एक दिन मेरा ऐसा निकला है मतलब जैसे बड़ा टाइम, थोड़ा एक एक घड़ी बहुत मुश्किल से आया यार, हाँ हर 10 मिनट में फोन चेक करता था, यार रिजल्ट आने वाला है, यार रिजल्ट आने वाला है, लेकिन नहीं आया। फिर 18-19 तारीख को बाद एक नोटिस आया था, किसी 3 बंदों ने वो अप्लाई किया था कोर्ट में, तो इस वजह से रिजल्ट अटका। हाँ तो मैंने कि वो बोल रहा है भाई 7 दिन बाद आएगा, फिर हम मैंने कोई नहीं 7 दिन बाद आएगा तो दोस्तों से बात भी बोल रहे, कोई दिक्कत नहीं, फिर देखते हैं। फिर 14 तारीख को ऐसा ही बैठा था मैं, और मैंने कि यार अब क्या करें, क्या कब रिजल्ट आएगा, क्या पता कुछ मिले नहीं मिले। मैंने कि अब यार मैं क्या, मेरा स्टार्टिंग से एक हैबिट है कि मैं जो भी पढ़ाई करता हूँ ना, अपना एक टाइम टेबल शेड्यूल बना के पढ़ता हूँ, भाई इतने बजे से स्टार्ट करना, ये नहीं करता मैं 2 से 4 बजे ये सब्जेक्ट, नहीं मतलब 2 घंटे ये पढ़ना है, 4 घंटे ये पढ़ना है, कुछ इस तरीके से अपना शेड्यूल बना के पढ़ता था। मैंने कि यार पता नहीं कब रिजल्ट आएगा, तो ऐसे कर अपने राजस्थान आईएएन की भी वैकेंसी आने वाली है और कुछ आईएएन की भी आने वाली है और रेलवे की भी सुना था, और वैसे भी अपना एसएससी जेई आ ही रहा दोबारा अक्टूबर में, तो दोबारा से टाइम टेबल बना। तो मैं जैसे ही टाइम टेबल बनाने बैठने वाला था, इतने में दोस्त का फोन आ गया, और उससे थोड़ी देर पहले ही मैंने वो एक टेलीग्राम चैनल है उसका वो चेक कर रहा था, मैंने यार उसने दे रहा था रिजल्ट 2022 में गया है भाई, ये क्या है। फिर मैंने उसको चेक किया, यार मैंने कहीं फेक तो नहीं है ये, मजे ले रहा हो कोई। फिर मैंने दोस्त को कॉल किया, यार रिजल्ट आ गया क्या, बोला हाँ आ गया। फिर वो कह रहा था, मैंने उससे बोला मैंने तुमने चेक किया क्या, बोला हाँ मैंने तेरा ही चेक किया पहले, बोला यार तूने सीपीडब्ल्यू रिपोर्ट दिया, यार क्या कह रहा है तू। कुछ उस टाइम ऐसे फीलिंग ऐसे थी कि एक्सप्रेस नहीं कर सकते। फिर मैंने कि यार दोबारा देख सही से कहीं चक्कर खा रहा हो, फिर वो बोला नहीं नहीं बिल्कुल सीपीडब्ल्यू डी है। अच्छा प्रेफरेंस का भी मेरा उसने ही भरा था मेरा फॉर्म, मैं तो गाँव था तो प्रेफरेंस का आता है ना जॉब वाला, तो उसने ही डाला था स्टार्टिंग में सीपीडब्ल्यू डी एम एस वगैरह कुछ इस तरीके से। बोला यार ठीक है मैं एक बार चेक करता हूँ अच्छे से। फिर दोबारा मैंने वो खोला और उसको चेक किया, तो यार ये कह तो सही रहा है। अब खुशी इतनी थी कि जिंदगी में कभी जिस चीज के लिए इतने तड़प रहे थे 4-4, 5-5 साल से, एक वो होती है ना यार, ये सोच लो कि जब मैं लाइब्रेरी जाता था ना, फिर मैं ये सोचता यार खाना भी नहीं खाने आता कभी कभी, मैं ये था कि यार क्या जाएंगे 2 घंटे खराब होएंगे यहीं पे, कसौड़ी खा के पढ़ लो यार,
मतलब स्ट्रगल था कुछ इतना था कि पूछो मत। तो ये होता है ना कि यार इंसान अपनी जी जान से मेहनत कर रहा है तब उसको कुछ मिलता है तो कितना, तो कहते हैं ना एक तो दुख के आंसू एक खुशी के आंसू, तो मैं यार रहा नहीं गया ऑटोमेटिक वॉइस भी चेंज हो गई। फिर मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले पापा कॉल किया, पापा मैं नौकरी लग गया, तो कुछ ऑटोमेटिक ही आंसू वगैरह आ गए थे। बोलो रो क्यों रहा है, मैं अच्छी बात है कि कुछ नहीं बस ऐसे ही है, फिर हो गया कुछ इस तरीके से। फिर चाचा कॉल किया, फिर धीरे धीरे सबको पता लग ही गया। इस तरीके से कुछ पूरा स्ट्रगल आपने अपना बता दिया, मेरे लिए कोई क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है कि जो मैं पूछूं। हाँ, दो तीन क्वेश्चन है जो स्टूडेंट के मन में डाउट होते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि रिवीजन आप कैसे करते थे, रिवीजन के किस स्ट्रेटजी टाइम टेबल अकॉर्डिंग, या उसके लिए कुछ अलग से बुक वगैरह आपने यूज किया? नहीं, रिवीजन के लिए अलग से था। रिवीजन के लिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट ये थी कि जब से मैंने जो कोचिंग स्टार्ट की थी ना अपनी, तो कोचिंग के साथ साथ में मैंने अपने खुद के हैंड नोट बनाने स्टार्ट कर दिए थे। भाई ये अपन कोई चीज पढ़ रहे हैं उसमें शॉर्ट में कोई लाइन है और वो अपन को डायरेक्ट यदि किसी टेस्ट पेपर में या कहीं पे मिल रही है तो उसको अपन डायरेक्ट शॉर्ट नोट में अपने हैंड रिटन कर ली मैंने साथ में ही। उसके साथ साथ एक सिविलियन है, एक अलवर की कोचिंग है, उसके भी शॉर्ट नोट आते हैं, वो हिंदी इंग्लिश मिक्स में आते हैं, वो भी लिया था मैंने। और एक अपने ये सिविल की गोली की बूस्टर आती है, तो तीनों से अपना ये था कि मॉर्निंग में लाइब्रेरी जाते ही फर्स्ट टाइम अपना यही था। और एक पॉकेट डिक्शनरी भी आती है, वो भी ये है कि जब स्टार्टिंग में कभी काफी टाइम हो जाता है ना, दो दो तीन तीन दो चार पांच दिन बाद अपने यदि पढ़ा नहीं तो बीच में गैप लग जाता है, मन नहीं करता पढ़ने का, तो उस टाइम में क्या अपना छोटी होती है ना भाई, एक घंटे में अपनी निकल जाएगी सब्जेक्ट, तो थोड़ा आइडिया हो जाता है हाँ भाई ये ऐसे पढ़ना है। तो उस तरीके से पहले उसको पढ़ता था, फिर अपने जो सिविल बुस्टर वाली बुक है उसको निकालता था, और अपना जो सिविलियन वाली है उसको भी निकालता था मैं। और ये था कि मैं जब पढ़ता था ना, जो काफी बंदे होते हैं जो बस रीडिंग मारी हो जाता था उनका, मेरे से कभी ऐसा पढ़ा ही नहीं गया। मैं अपना जो भी था रिटर्न करके चाहे रफ करके या कुछ भी, जब तक लिखता नहीं था ना तब तक दिमाग में घुसता नहीं था, तो तब मैं अपने इस तरीके से पढ़ाई करता था, लिख लिख के चाहे नोट्स पढ़ो चाहे कुछ भी हो, लेकिन लिखना जरूरी था इस तरीके से। तो इस तरीके से अपना रिवीजन रोज करता था मैं। आप सिविल जंक्शन चैनल को कब से फॉलो कर रहे हैं? सिविल जंक्शन चैनल को तो अपने 3-4 साल हो गए, और वहां पे क्या मुझे काफी जो नोटिफिकेशन आते हैं एग्जाम के अपने इंजीनियरिंग से रिलेटेड, और उनके साथ साथ अपने जो पेपर्स वगैरह हुए हैं आज तक किसी भी एग्जाम के, अपने सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी पेपर्स हुए हैं वो वहां पे अपडेट होते रहते हैं, चाहे वो अपने गुजरात वाला हो चाहे अपने राजस्थान का हो किसी भी एग्जाम के हो, वो एंड वहां पे अपलोड होते रहते हैं, तो उनसे भी थोड़ा आइडिया मिल जाता है, वहीं से देख लेते हैं सारे। तो जो नए बच्चे हैं उन्हें क्या टिप्स देंगे कि वो क्या करें अभी इस पढ़ाई के लिए? नए बच्चों के लिए मैं अपना खुद का ये की कहना चाहता हूँ, ये मतलब अपना जो फोकस है ना वो बिल्कुल उस पर रखें कि हाँ भाई ये एग्जाम अपन को निकालना है, कोई कोई कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा बिल्कुल नेग्लेक्टेड कर दो, बिल्कुल अपना कान बंद कर लो बंद, आंखों का फोकस सिर्फ SSC 2023, बस उस पर फोकस रखो और अपनी पढ़ाई कुछ इस तरीके से रखो। टेक्निकल का है, टेक्निकल का सिस्टम ऐसे सब्जेक्ट कुछ अपनी ज्यादा है, तो उनका एक तो डेली रिवीजन करो, 1 या 1.5 घंटे अपने हैंड नोट हो तो उनसे करो, या अपनी सिविल बुस्टर बुक है उसमें भी अच्छा दे रखा है तो उससे करो। तो मतलब ये जैसे ही सब्जेक्ट खत्म होती है दूसरी स्टार्ट करो, और जहां तक हो सके ना तो एक साथ 2 या 3 सब्जेक्ट साथ में लेके चलो रिवीजन के लिए भी, तो सब्जेक्ट अपने कुछ इतने ज्यादा है कि अपन भूल जाते हैं पीछे की चीज। थ्योरी तो सारे पढ़ते हैं, और थ्योरी पढ़ने के लिए अपन को एक सब्जेक्ट के लिए 5-7-10 दिन तो चाहिए। यदि अपन खुद के नोट्स पढ़ते हैं ना बट, तो उनको पढ़ने के लिए 5-7 दिन चाहिए अपन को, क्यों इतने मोटे मोटे रजिस्टर होते हैं वो पढ़ नहीं पाते सारे। तो उससे अच्छा स्टार्टिंग में सुबह जाते ही लाइब्रेरी जाते हो या घर पे 1-2 घंटे अपना उसको दो डेली बेसिस पर रिवीजन करते रहे, चीजें भूलेंगे। हाँ
हाँ उससे क्या अपने दिमाग में रहता है, हाँ भाई ये चीज ऐसे है ऐसे, और साथ साथ में टेस्ट भी देते रहो। तो जो नए बच्चे हैं सुन लीजिएगा, महेंद्र जी ने जो बताया सीबीडब्ल्यू डी क्रैक करने का तरीका, मतलब डेली बेसिस पे रिवीजन करते रहिए, 1-2 घंटे पढ़ाई से रिवीजन को दीजिए। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ इंटरव्यू करके, और बहुत अच्छी चीजें आपने बताई, बहुत चीजें एक साथ ही आपने पूरा बता दिया, जर्नी स्ट्रगल, उसके अलावा कहाँ पे आपकी कमी रह गई, क्या क्या चीजें एग्जाम में आप भूले, और क्या क्या चीजें आपने स्टडी मटेरियल यूज किया। तो सिविल एक्शन परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स को। आशा करेंगे कि जल्द ही हम आपके साथ 1-2 इंटरव्यू और शुरू करें जिसमें लाइव होगा, बच्चों के साथ रहेंगे, बच्चे भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। थैंक यू।